मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तुमसे भीख मांगती हूँ। आपको शर्म नहीं आती? सब सुन लिया सर? हाँ सब सुन लिया मैंने। आपको आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छे वाले घर की लग रही है और मंदिर के बाहर खड़े होकर भीख मांग रही है। सब सर आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत नहीं समझ रहा। देखिए अगर आपको कुछ मांगना ही है तो जाके पापा से मांगिए, वो किसी को नाराज नहीं करते। चलो खाना चलो। एक मिनट तुम यहीं रुको रुको रुको, मैं लेके आता हूँ। अपने पैर गंदे मत करो। मेरी चप्पल सर मैं अरे मेरी चप्पल ये रही, मैं लेके आता हूँ ना, ये वाली, यही है ना, ये लो। सर अरे पहनो ना, मैं पहन लूँगी। कोई बात नहीं सर। ओके या सर एक्चुअली एक सब साइन फाइन। हाँ पहन लो ना। या मैंने पकड़ा हुआ। फाइन चलें। या अरे वो प्रसाद तो लिया नहीं ना। सर मैं लेकर आती हूँ। नहीं तुम वहाँ खड़ी रहो, मैं लेके आता हूँ। सर मैं लेकर आती हूँ। अंदर मैं बोल रहा हूँ ना, तुम वहाँ खड़ी रहो, मैं लेके आता हूँ। सर जल्दी आएगा। जाओ रोड के उस पार। अर्जुन अर्जुन मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कुछ समझ ओफी, तुम क्यों, क्या हुआ? एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मुझे। एक्चुअली ये डील मैं हैंडल कर रही हूँ, अर्जुन ने कहा। मैंने उसे मना तो बहुत किया बट वो मेरी बात ही नहीं मान रहा था। बहुत ट्रस्ट करता है ना मुझ पे। वैसे तुम्हें कोई काम था क्या, कुछ डिस्कस करना है? एनी सजेशंस, प्रॉब्लम्स? वो सब तुम्हें मुझसे ही डिस्कस करना होगा। बस फर्क इतना होगा कि अर्जुन नहीं होगा हमारे साथ। बाय द वे तुम खड़ी क्यों, कम सिट ना। मुझे अर्जुन से बात करनी है। नहीं कर सकती, वो बहुत बिजी। चिल्लाओ मत। आप तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा सकती हूँ उससे। आफ्टर ऑल तुम मेरी बहन हो, अर्जुन की एक्स वाइफ रह चुकी हो, इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। और अर्जुन मेरी बात नहीं मना करे, मुझे 2-3 दिन का वक्त दो, तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा। ओवी मैं नहीं जानती कि तुम ये सब क्यों कर, लेकिन ओवी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑरेंज इज वन ऑफ योर फेवरेट कलर्स। पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कलर हो या इंसान, तुम्हें अगर पसंद आ जाए ना तो तुम हाथ धो के पीछे पड़ जाती हो। क्योंकि मैं लॉयल, रिश्तों के मामले में भी और रंगों के मामले में। वो भी रिश्ते रंगों या कपड़ों की तरह नहीं बदले जाते, उन्हें निभाना पड़ता है आखिर तक। और हाँ 20 साल पहले मुझसे कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन अब मैं उन गलतियों को कभी नहीं दोहराऊंगी। गुड पूर्वी, वेरी गुड। बट आई गेस तुम्हारे सारे रिश्ते तो कनाडा जा चुके हैं ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, तुमने आई बाबा से भी कहा होगा कि अर्जुन के साथ तुम्हें यहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। कैसी बेटी हो तुम? आई मीन इतना डेस्परेशन। अर्जुन ने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है, तुम्हें इतना इग्नोर कर रहा है पर
तुम फिर भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हो? पूर्वी मेरी मानो तो जल्द से जल्द कनाडा चली जाओ, यहाँ जितना रहोगी उतना हर्ट होती रहोगी। वो भी तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर, लेकिन मैं अर्जुन से बात करके रहूंगी। पूर्वी तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे झूठ कह रही हूँ? तुम्हें अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम अर्जुन को कॉल करो, वो तुम्हारा कॉल नहीं रिसीव करेगा। करो फोन। और हाँ पूर्वी, जो आदतें अच्छी होती है ना इंसान को सिर्फ वही रखनी चाहिए, बाकी बुरी आदतें वक्त के साथ बदल देनी चाहिए। अब जैसे तुम्हारी इस साड़ी का कलर ही देख लो, पूर्वी इस एज में इतने वाइब्रेंट कलर्स अच्छे नहीं लगते। अब अपनी एज के हिसाब से कलर्स चूज किया करो। दो घंटे हो गए, रसात लेकर आने में इतना वक्त लगता है क्या? मंदिर में भी कोई नहीं, कहाँ जा सकते हैं सर? कहीं भीड़ में खो तो नहीं गए? भैया नरेन सर आए यहाँ पर? नहीं है मैडम। कहाँ चले गए नरेन सर? आप एक काम कीजिए, वहां ढूंढिए जाके, मैं ढूंढती हूँ यहाँ पर। नरेन नरेन सर के पास मानसी का फोन होगा। मानसी 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 अर्जुन का कैबिन। लगता है अंदर कोई नहीं है। चाहत के दिए तेरे लिए।
ऐसा क्यों कर रहे हो? पूर्वी का प्यार बगैर तकलीफ के उसे कुछ नहीं दे सकता। उसे मुझसे नफरत करना सिखा दो पप्पा। ऐसा मत करो उसके साथ। मानसी, मानसी नरेंद्र सर आए क्या है पे? तेरे साथ ही गए थे ना मंदिर, वो यहाँ नहीं आए? नहीं, क्या हुआ ताई? वो मुझे बोल के गए कि मैं प्रसाद लेकर आता हूँ और वो पता नहीं आए नहीं वापस, तो मुझे लगा घर पे वापस आए होंगे। ताई तूने देखा ना पागल आदमी से शादी करने का? प्रशांत प्लीज, ताई ऑलरेडी परेशान है। ताई तूने फोन किया उनको? मैं उनको फोन कर रही हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ताई काम करते, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बता सकते प्रशांत, अगर पुलिस को पता चल गया तो ये बात मीडिया में चली जाएगी। पर अब क्या करेंगे? मैं वृषाली मैम से बात करती हूँ, मुझे उन्हें बताना होगा। मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। ताई, अरे ताई। वृषाली मैम, वो मैम, मैम वो नरेंद्र सर। तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो, क्या हुआ? मैम नरेंद्र सर खो गए। कहाँ है नरेंद्र? नरेन कहाँ है? अंकिता मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, वेयर इज नरेन? वो ठीक है? मैम वो एक्चुअली हम लोग मंदिर गए थे साथ में, आपने मंदिर जाने को कहा था तो हम लोग वहाँ गए और हमारा प्रसाद अंदर रह गया था, तो नरेन सब बोले कि मैं जाता हूँ लेने और वो गए और वो वापस ही नहीं आए। था नहीं, वो कहीं चले गए शायद, मुझे नहीं पता। नहीं चले गए मतलब व्हाट डू यू मीन कहीं चले गए? मैम कहाँ चले गए नरेन सब, लेकिन मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की। अंकिता मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं कि उसको एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना? तुमने उसे जाने क्यों दिया? अपने पति को नहीं संभाल सकती तुम? तुम्हारी शादी क्यों करवाई है मैंने? गौतम, आप उसे कहां ढूंढेंगे? शिरीष, रौनक। मैम क्या हुआ, क्या हुआ रुशाली? नरेंद्र कहीं चला गया, पता नहीं कहां खो गया। मतलब अब आया ना मजा? बहुत शौक था ना पागल से शादी करने का। मां मैंने आपको पहले ही कहा था ना, ये लड़की किसी काम की नहीं है। रोज से इसकी शादी करा के ना सबसे बड़ी गलती करी आपने। रौनक जस्ट शट अप, ओके? ये टाइम अंकिता की बुराइयां निकालने का नहीं है। पुलिस को फोन करो प्लीज। अर्जुन, बहुत सर दुख रहा है। डॉक्टर को फोन किया था, क्या बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं, वही 2 महीने के बाद ऑपरेशन और तब तक ट्रीटमेंट। अर्जुन तुम ट्रीटमेंट की तैयारी करो और ऑफिस की चिंता मत करना, मैं ऑफिस संभाल लूंगी। अर्जुन मैं जानती हूँ इस बीमारी से ज्यादा तुम्हें पूर्वी को हर्ट करने का दुख है, और हो भी क्यों ना, तुमने उसे जितना प्यार किया है उतना कभी किसी को भी नहीं। शादी तो हमारी भी हुई थी पर हमारा कभी वैसा रिश्ता बन ही नहीं पाया जैसा तुम्हारा और पूर्वी का था। अर्जुन देखना देखना पापा सब ठीक कर देंगे, तुम्हें ठीक कर देंगे, पूर्वी को तुम्हारी लाइफ में वापस ले आएंगे। नहीं, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ अर्जुन। नहीं ओवी, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी जिंदगी में वापस आए और मेरे लिए वेट करे, कहीं कल को मुझे कुछ हो गया तो। अर्जुन तुम क्यों बोल रहे हो ऐसे और तुम क्यों सोच रहे हो इतना? देखना पापा, पापा तुम दोनों की और परीक्षा नहीं लेगा, तुम दोनों फिर मिल जाओगे और बहुत जल्दी मिलोगे। जी कमिश्नर साहब, हाँ वो इंस्पेक्टर आए हुए हैं लेकिन अभी तक कोई लीड्स नहीं मिली है।
या ऑफ कोर्स आई एम वरीड। हाँ देखिए, जितनी जल्दी हो सके आप अपनी पूरी फोर्स भेज दीजिए। इंस्पेक्टर आंग्रे, आई डोंट हैव अ क्लू नरेन कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकती। ही इज जस्ट टोटली अनप्रेडिक्टेबल। और मैंने कमिश्नर साहब को कब से फोन किया हुआ, हो क्या रहा है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि नरेन कहाँ पर होगा? इज दैट योर जॉब? ये पुलिस क्यों आई है? नरेन को ढूंढ रहे हैं यार। मैं भी ढूंढता हूँ। कहाँ ढूंढू नरेन तो मैं, लेकिन मैं अपने आप को कैसे ढूंढ सकता हूँ? रेन, क्या मां? माय गॉड, कहां थे तुम? तुम्हें मालूम है ना कि तुम अकेले कहीं नहीं जाना है? कहां थे तुम? You know how worried I was? तुम ठीक हो? या मां, I'm fine। आप इतना टेंस क्यों हो रहे हो? कब समझोगे? Fine मां। अरे हाना, तुम बाहर कब गई? बाहर से कहां से आ रही हो? मैं रूम में तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूं। कहां थे सर? साहब मुझे मंदिर के बाहर ऐसे ही छोड़कर आ गए। मतलब मैं आपका वहां इंतजार कर रही थी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह हाँ, मंदिर के बाहर। अरे हाँ हाँ, वो बापा का मंदिर ना। हाँ मैं तुम्हें रोड के पार खड़े रहने को। I'm so sorry आना, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नो सर, मैं एकदम भूल ही गया था। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? गाड़ी तो तुमने वहीं पर छोड़ दी थी। मैं अपनी गाड़ी लेके गया था ड्राइवर के साथ। मुझे लगा मैं ऐसे ही गया हूँ और इसलिए टैक्सी पे वापस आ गया। सर आप मेरे साथ गए थे मेरे घर से और फिर हम वहीं वापस जाने वाले थे, आपको याद नहीं है? हाँ हम तो तुम्हारे घर से गए थे। हाँ एक्चुअली मैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में सोच रहा था, उसके बाद मेरे दिमाग से तभी मैं कहूँ ये हाई स्कोर किसने बीट किया था मेरा। एक्चुअली मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो, ये प्रणव ने बनाया था ना हाई स्कोर, मैंने वो बीट कर दिया। अब सोच रहा हूँ इसको भी बीट कर दूं ताकि वो दोबारा बीट ना कर ले। नरेन को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है अंकिता, जो कुछ भी हुआ उसे सब कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखना जरूरी है। आज जो कुछ भी हुआ वो आइंदा नहीं होना चाहिए, ऐसी लापरवाही दोबारा मत करना अंकिता। अर्जुन ने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है, तुम्हें इतना इग्नोर कर रहा है पर तुम फिर भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हो। पूर्वी मेरी मानो तो जल्द से जल्द कनाडा चली, यहाँ जितना रहोगी उतना हर्ट होती रहोगी। हाँ पर कैसी है तू? कोई जरूरत नहीं इतना प्यार जताने की, मुझे सब पता है। तू इंडिया जाके मुझे बिल्कुल भूल गई है, एक फोन करने की फुर्सत नहीं है। नहीं परी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुझे तेरे साथ वहाँ इतना कुछ हो गया, तू उस आदमी से मिली, तूने उसके साथ रहने का फैसला कर लिया लेकिन मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। वो तो आज ही अगर मुझे नहीं बताती तो आई तेरी गृहस्थी, तेरा प्यार, तेरा रिश्ता, इस सब में मैं कहीं नहीं आती ना। एनीवेज इट्स ओके, तू उस आदमी के पास जाना चाहती है और वो तेरे पास। Fair enough. Congratulations. परी बेटा तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि मैं कनाडा आके तुझे सब कुछ बताऊंगी, तेरे बगैर मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? It's okay. मैं तेरे डिसीजन से खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ थोड़ी हर्ट जरूर हुई हूँ, कल तक जिसका अपनी बेटी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था, आज उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया वो भी मुझे बताए बगैर। लेकिन आज ही ने मुझे सब समझा दिया है, वो कह रही थी कि तेरी खुशी इसी में है, एंड बिलीव मी आई, मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है।
अगर तू मिस्टर किर्लोस्कर के साथ खुश है तो यही सही। और ये बात मैंने मिस्टर किर्लोस्कर से भी कही थी। अच्छा आई, आज ही कह रही थी कि तू कनाडा आने वाली है, टिकट्स बुक करी क्या? नहीं अभी नहीं। आई तू फिर डिले करेगी ना, मुझे पता था। आई एम वेरी अपसेट। बेटा तू मेरी बात तो समझ। अच्छा चल ठीक है, अब लेट आ रही है तो मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेके आ। बता तुझे क्या चाहिए? अच्छा एक सेकेंड, मुझे पता है तुझे क्या चाहिए। अनारकली सूट है ना? यस डन, मैं तेरे लिए ले आऊंगी ठीक है? अच्छा आई एक और बात, प्लीज आज के बाद मुझसे कुछ मत छुपाना। इट रियली हर्ट्स मी। हाँ बेटा, और तू भी एक बात हमेशा याद रखना कि तेरी आई तुझसे बहुत प्यार करती है, और तेरी आई के प्यार के आगे चाहे कोई बात सच हो या झूठ हमेशा छोटी है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ परी। लव यू बेटा, बाय।